स्टेज से ही आप लोग सो सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस तो आज मैं गया था हल जोतने के लिए, आप लोग वीडियो देखिएगा आगे। सो मैं भी और एक मोटो व्लॉग बना के आया हूँ, पहले आप ट्रैक्टर वाला व्लॉग देख लीजिए, मोटो व्लॉग अपलोड करूँगा, फिर उसके बाद जो है ईद आने वाली है तो स्पेशल स्पीड में पार करने वाला हूँ। ये देखो भाई ये देखो, ओ भाई साहब, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। सो गाइस ट्रैक्टर चलाने के लिए बहुत ही ताकत लगता है, बोले तो अपना एनर्जी ज़्यादा लॉस होता है फोर व्हीलर के नाते, फोर व्हीलर में एनर्जी कम लॉस होता है, ट्रैक्टर का हैंडल वगैरह सब कुछ गाइस एकदम बोले तो कड़क कड़क मारा था। इसका गियर देखो कैसे तोड़ा जाता है, ये देखो गाइस तीन गियर, अब इसको चलते हैं लेके। गाइस ट्रैक्टर में जो हाईएस्ट BS4 मतलब पुराना गाड़ी में हाईएस्ट 4 गियर था, BS6 में शायद बड़े गाड़ी में 5 गियर दिए गए हैं। तो BS6 का ही मतलब ट्रैक्टर अभी जो सक्सेस उतना नहीं है जितना पहले के ट्रैक्टर में ताकत था। गाइस ये जो मेरा महारानी है ना, इसके बारे में पूछो ही मत, इतना पावर आया ना गाइस इसमें, कोई भी ड्राइवर चलाने के बाद बोलता बाप रे कौन गाड़ी आप ले ली है। मतलब गाइस ये गाड़ी को मिनिमम 10 या 12 साल हो गया, मतलब समझ रहे हो गाइस 12 साल पुराना और अभी का सामान में कितना अंतर था, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। सो तो अभी मैं अभी ट्रैक्टर पे मोटो व्लॉग कर रहा हूँ और जा रहे हैं अपना खेत को जोतने के लिए। सो सोचे अगर दादा साथ में नहीं है तो एक वीडियो ही बना लेते हैं, वरना दादा रहते हैं तो वीडियो तो क्या मोबाइल भी हाथ में नहीं निकालता हूँ। तो ये देखो गाइस यहाँ पे जो ईंट बनता है, और ये देखिए यहाँ पे जो है हाईवा मतलब बोले तो ट्रक से मिट्टी गिराया गया, तो ये देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी गिरा के रखा है ताकि मतलब जो गाइस ईंट जो बनने के लिए स्टार्ट होता है तो वो नवंबर महीने से होता है, और नवंबर महीने से होता है और मार्च अप्रैल तक जो है ख़त्म हो जाता है। ये देखो आप लोग, हाँ गाइस ये देखो रोड का कंडीशन देखो, और अंदर से भी गाड़ी जाता है, बट अभी मेरे गाड़ी में यह लगा हुआ है सेफ्टी, यानी कहीं पर अगर फंसे ना तो इसी की वजह से जो है इसी की वजह से मैं अंदर से नहीं गया, वरना अंदर से ही जाता। और अंदर में ये देखो पानी बहुत ज़्यादा है, ये देखो पहाड़ की तरह बना दिया है, जब अगर ट्रैक्टर चलाया जाए ना ही गाइस बिना फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का, मैं आज पढ़ाई छोड़ के आया हूँ हल जोतने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं था कहीं जाना, अपने दुकान को खोलना है, तो दुकान टाइम से नहीं खुलेगा तो गाइस समझ रहे हो फिर रूल रेगुलेशन जो है वो बदल जाएगा। तो पहुँचते अपन अपने मेरा के वो भट्टा के पीछे, तो चलते हैं फटाफट से अपने खेत के पास। आवाज़ की थोड़ी सी परेशानी आएगी तो आप लोग गौर नहीं कीजिएगा। सो वो मेरा बीच वाला खेत, ये देखिए खेत। सो अभी अपना रानी को लेके आया हुआ हूँ और इसको देख लेता हूँ कहीं नट ढील तो नहीं हो जाए, गाइस अगर लूज रहेगा तो कड़क बना दूंगा एकदम, अभी कड़क ही है। और ये देखो इससे हल जोतेंगे, इससे शूँ से वो चलते हैं फटाफट, और आप लोग को तो वीडियो नहीं दिखा पाएंगे जब हल जोतेंगे, तो कोई साथ में है नहीं तो अकेले ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, और एक हाथ से वीडियो मतलब समझ लो गाइस नहीं बन पाएगा, ट्रैक्टर है फोर व्हीलर नहीं है। सो हेलो गाइस तो अभी हो चुका है जोत हो चुका है गाइस, तो अभी जो है गाइस हालत पूरा पंचर होकर रखा है गाइस, ये देखो पाँव का हालत वो देखो पूरा चिगड़ चिगड़, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर है बट इसका नहीं गाइस हालत पंचर हो गई, ये देखो। सो हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग नहीं गाइस, तो अब मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, घर 5 मिनट लगेगा मुझे पहुँचने में, बस गाइस ये ऊपर खबर वाला रोड पार होने के बाद क्या बोलते हो सू से निकल जाऊँगा गाइस, अभी 3 नंबर पर गाड़ी 4 नंबर पर लगाएंगे उसके बाद सू से निकल जाएंगे। तो गाइस तो आप लोग को वीडियो तो अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि गाइस ट्रैक्टर का वीडियो तो किसको अच्छा लगेगा, सबको तो मोटो व्लॉग ना अच्छा लगता है। तो गाइस तो मोटो व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, तो मिलते हैं आप लोगों से मोटो व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।